Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Sai Study Point. Today I will explain you class 12th Flamingo book chapter number 3, Deep Water, जिसके author है विलियम डगलस. इस स्टोरी में पहले मैं आपको बता दूँ, आपके तीन कैरेक्टर है. फर्स्ट, जिसको हम द लिटल बॉय लेके चलेंगे. सेकेंड, एक 18 ईयर का बॉय जो कि बच्चों को बुली करने वाला लड़का है. और जो तो थर्ड होगा वो लिटिल बॉय का पर्सनल ट्रेनर होगा, स्विमिंग ट्रेनर. इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक 10-11 साल का बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक पूल के सामने बैठा होता है. पूल के सामने वो सोच रहा होता है कि उसकी मॉम ने उसे बताया है कि जो पानी का एरिया है थोड़ा खतरनाक है, उसके लिए जो डेंजरस हो सकता है उसके आसपास उसको नहीं जाना चाहिए. वो जिस पूल के पास बैठा होता है उसका नाम होता है YMCA इन यामिका. यामिका का पूल है जिसका नाम है YMCA. धीरे धीरे वो पास्ट में जाता है और पास्ट में हमें उसकी 3 या 4 साल की जो यादें होती है वो बताई जाती है कि जब वो 3-4 साल का था तो अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गया था, जहाँ उसने बहुत इंजॉय किया, उसे बहुत मज़ा आया. बट सनसेट के टाइम पे जब वो सन देखने के लिए गए, थोड़ा बीच के और पास जाते गए और तभी एक थोड़ी बड़ी सी वेव आई और उस बच्चे को, जो लिटिल बॉय था, उसको अपने साथ थोड़ा धक्का देते हुए आगे लेकर चली गई, जिस वजह से उस टाइम उसको लगा कि उसकी थोड़ी देर के लिए जो सांसें है वो रुक गई है और तभी से उसको पानी का डर बैठ गया. लेकिन उसने उस टाइम भी सोचा कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, इसलिए वो 10-11 साल की एज में स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था. अब वो प्रेजेंट में आते हैं. प्रेजेंट में वो सामने देखता है, उसके सामने एक 18 ईयर्स का बॉय होता है जो आ रहा होता है, उसकी तरफ आ रहा होता है. वो देखने में काफ़ी स्मार्ट और अच्छा होता है, उसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी होती है. लेकिन जो बॉय होता है वो बच्चों को बुली करने वाला होता है. वो आते ही जो हमारा लिटिल बॉय है उसको पूल की सेकंड साइड में धक्का दे देता है. पूल की दो साइड होती है, एक साइड जो काफ़ी डीप होती है 9 मीटर और एक साइड जो नॉर्मल होती है 2-3 मीटर्स की. लेकिन जो लड़का होता है वो हमारे लिटिल बॉय को 9 मीटर वाली साइड में धक्का दे देता है. पर जो बॉय होता है उसको स्विमिंग नहीं आती, फिर भी उसका करेज नहीं जाता. वो अपने मन में पहले से ही सोच रखा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं जैसे ही पूल के अंदर जाऊंगा और मेरा जो लेग है वो फर्श को टच करेगा, वैसे ही मैं एक बड़ी सी स्विंग लूँगा और मैं सीधा ऊपर चला जाऊँगा पानी के. वो ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश करता है. वो एक बार करता है, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता. वो एक बार करता है, दो बार करता है, तीन बार करता है, कई बार करता है, लेकिन धीरे धीरे जो है उसके हैंड्स, उसके लेग्स और उसके जो लंग्स होते हैं वो थक जाते हैं. धीरे धीरे वो कमज़ोर लगने पड़ता है. लेकिन फिर वो सोचता है कि अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो उससे कोई फ़ायदा नहीं, अब मुझे आवाज़ लगाना ही पड़ेगा, चिल्लाना ही पड़ेगा ताकि लोग मेरी हेल्प के लिए आए. उसने जो अपने मन में आइडिया बना रखा था वो फेल हो गया था. उसने आवाज़ लगाया लेकिन वो पानी के काफ़ी अंदर था तो उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पा रही थी, जिस वजह से लोगों ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी. फिर उसने सामने की तरफ देखा, जो सन की रेज है वो सीधे वाटर में आ रही थी और जो वाटर कलर था वो एक अलग ही कलर चेंज हो गया था, वो येलो कलर में बन गया था, जो कि उसे काफ़ी डरावना लग रहा था. धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस हो गया और जो उसके आसपास की चीज़ें हैं बिल्कुल साइलेंट हो गई. फिर हमें ऑथर बताते हैं कि उस लड़के को उसके बीच का कुछ भी याद नहीं होता. वो जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो पूल के साइड में लेटा हुआ होता है और उल्टियाँ कर रहा होता है और उसके सामने वही 18 ईयर्स का लड़का खड़ा होता है जो बच्चों को बुलीज करता है और ख़ुद को जस्टिफाई कर रहा होता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं मजाक कर रहा था बस, मुझे नहीं पता था कि इसको स्विमिंग नहीं आती है. ये सब होने के बाद उस लिटिल बॉय को घर लेकर जाया जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ चुकी होती है क्योंकि वो कई बार कोशिश करता है पानी से बाहर निकलने की, वो नहीं निकल पाता, जिससे उसे पानी से डर लगने लगता है और उसको एक्वाफोबिया बीमारी हो जाती है, जिसमें होता है कि जब पानी की जितनी भी चीज़ें होगी उससे उनको डर लगने लगेगा. जिस दिन ये सारी चीज़ें होती है उस दिन रात को उस बच्चे को नींद नहीं आती, उसके हाथ पैर कांपते हैं और उसके दिमाग में बस वही सब चल रहा होता है. काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता है. उसके मन में ख्याल आते हैं कि अब मैं पानी से इतना डरने लग गया हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ फ़िशिंग करने नहीं जा पाऊँगा, बोटिंग करने नहीं जाऊँगा और जो स्विमिंग का मैंने अपने अंदर करेज निकाला था वो भी पूरा नहीं कर पाऊँगा. ये सब सोचता है लेकिन एक टाइम वो अपने मन में ठान लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्विमिंग सीख के रहूँगा और जो मेरे पानी का जो डर है, वाटर का डर है, फियर है, उसको मैं हटा के रहूँगा. इसीलिए उसने एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया जो डेली हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे उसको प्रैक्टिस करवाता था.
स्टार्टिंग के टाइम में उसको बहुत दिक्कतें हुई, जो उसका पर्सनल ट्रेनर था उसने उसके लेग्स को रस्सी से बांधा और उसको खुद पकड़ के रखा ताकि अगर ये पानी के अंदर और जाए तो उसको डर ना लगे कि वो डूब जाएगा। जैसे ही लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे जैसे उसका ट्रेनर उस रस्सी को छोड़ता उसको फिर से वही डर लगने लग जाता कि वो पानी के अंदर डूब जाएगा, उसको सांसें आने बंद हो जाएगी और वही सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग में उसके साथ हुई थी। बट काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद, काफ़ी हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, महीनों की ट्रेनिंग के बाद जो लड़का होता है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है स्विमिंग में और उसका जो पानी का डर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसका जो पर्सनल ट्रेनर होता है वो उसे बताता है कि अब तुम ठीक हो, जो तुम्हारे लेग्स की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई है और अब तुम स्विमिंग कर पाओगे। बट उस लड़के को यकीन नहीं होता, उसको पर्सनल ट्रेनर की बात पे उतना भरोसा नहीं होता, जिस वजह से वो काफ़ी जगह घूमता है, काफ़ी रिवर्स में जाता है, सीज में जाता है कि वो वहाँ पे जाके स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है, बहुत ट्रैवलिंग करता है और हर जगह जाके ट्राई करता है स्विमिंग करने की और तब जाके उसको भरोसा होता है कि हाँ वो सच में अपना फियर उसने ख़त्म कर लिया है और अब वो स्विमिंग कर सकता है और पानी की जितनी भी चीज़ें हैं उससे अब कोई डर नहीं लगता। इस स्टोरी में हमें यही बताया गया है कि कैसे स्टार्टिंग से ही एक बच्चे के मन में इतनी सारी चीज़ें थी। जब वो 10-11 साल का था तो उसकी मॉम ने उसे बताया कि जो पानी की चीज़ें हैं, पानी है वो जानलेवा हो सकता है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। 2-3 साल की एज में एक बड़ी सी वेव आई जिसमें उसकी सांसें तक रुक गई। 11-12 साल की एज में वो पानी के अंदर, पूल के अंदर चला गया, वो भी इतनी गहराई में जब उसको स्विमिंग नहीं आती थी, फिर भी उसने अपना करेज नहीं ख़त्म किया और आगे बढ़ता गया और कोशिश करता गया और कोशिश करते करते एंड में उसने एक जीत हासिल कर ली और स्विमिंग करना सीख गया और उसका पानी का फियर भी ख़त्म हो गया। यही सारी चीज़ें इस स्टोरी में बताई गई हैं। आपको इस स्टोरी से रिलेट करना है कि आप मेहनत करते जाओ, एक चीज़ में अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस स्टोरी में यही था, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।